हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और मकर संक्रांति स्पेशल रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली को भी ऐड किया है ताकि हमें गुड़ की क्वांटिटी कम रखनी पड़े और थोड़ा और हेल्दी बन जाए। वैसे भी मूंगफली को तो गरीबों का बादाम कहा जाता है, तो आज इस रेसिपी में हम मूंगफली भी ऐड करेंगे। मैंने एक कटोरी ही गुड़ लिया है, एक कटोरी ही तिल लिया है, एक कटोरी ही मूंगफली ली है। तीनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में ली हैं और मूंगफली और तिल को मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा है, अच्छे से फ्राई करके रखा है और मूंगफली का छिलका मैंने यहाँ पर नहीं हटाया है। अभी हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर जार लेंगे और इसमें अपनी जितनी भी मूंगफली हमने ड्राई रोस्ट करके रखी है इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। उसी तरीके से हम तिल भी पीसेंगे। मैंने यहाँ पे तिल और मूंगफली दोनों को पीस के रख लिया है, आप देख सकते हैं बहुत फाइन नहीं है, दरदरा है, दोनों में ही ऑयल होता है तो थोड़ा सा स्टिकी पिसता है ये। अभी मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून देसी घी ऐड किया है। इसी के साथ साथ जो हमने अपना गुड़ लिया था हम इसमें ऐड कर देंगे और सिम फ्लेम पे हमको इसको धीरे धीरे मेल्ट करना है। ध्यान रखें कि जब गुड़ आप पैन पे चढ़ाएंगे तो गैस का फ्लेम सिम ही रखना है, आपको लो टू मीडियम भी नहीं करना है और गुड़ को लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, वरना गुड़ बहुत जल्दी से जल जाता है, महक आ जाएगी तो हमारे बिल्कुल भी लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। यहीं पर मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे वाटर ऐड किया है, उससे गुड़ को मेल्ट करने में बहुत हेल्प होती है और गुड़ लगता नहीं है जल्दी से। अब हमको गुड़ को लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। हमको यहाँ जैसे आपने मेरी पिछली रेसिपी में देखा होगा कि हमने चिक्की बनाई थी तो गुड़ को किस लेवल तक हमको गुड़ को पकाना है, यहाँ पे हमको उतनी देर तक नहीं पकाना है, बस गुड़ में थोड़ा सा झाग आ जाए, थोड़ा गुड़ गाढ़ा होने लगे तब तक ही सिर्फ पकाना है, क्योंकि इसको हम लड्डू फॉर्म में बना रहे हैं, कोई चिक्की या पट्टी नहीं बनानी है। आप देख सकते हैं गुड़ में बहुत अच्छा झाग आ गया है, लेकिन अभी भी हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही और चलाते हुए पकाएंगे। गुड़ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, 1-2 सेकेंड के लिए भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी लग जाता है। ये बहुत टेस्टी मिठाई बन के रेडी होती है। मैंने इस स्टेज पे अपना जितना भी मूंगफली और तिल को मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस के जो पाउडर रेडी किया था दोनों को एक साथ यहाँ पे ऐड कर दिया है और गैस का फ्लेम मैं यहाँ पे सिम ही रखा है, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है और अब काम बहुत फटाफट करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है। ये अभी आपको जितना स्टिकी दिख रहा है थोड़ी देर बाद ये इतना स्मूथ हो जाएगा कि आप देखिएगा कढ़ाई में अपने आप ही ये नाचने लगेगा, बिल्कुल ही कढ़ाई में कुछ भी नहीं चिपकता है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन, बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी में ये बैटर बनके रेडी हो जाता है। अब गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कढ़ाई में कुछ भी नहीं लगा है, ये अपने आप ही बाइंड हो गया है। अब इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और गरम गरम में ही हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हल्का ठंडा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर लड्डू बाइंड करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाथों में देसी घी लगाएं, आप देख सकते हैं हल्का छूने लायक ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से मैंने ड्राई रोस्ट किए हुए तिल बचा के रखे थे वो मैं इसमें यहाँ पर ऊपर से इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि कहीं कहीं तिल दिखेंगे तो और अच्छा लुक आता है लड्डुओं का। आप चाहें तो जब कढ़ाई में जब ये ठंडा हो रहा था, जब गैस का फ्लेम ऑफ़ किया था, उस स्टेज पे भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने बाद में ऐड किया है। और अब हम इसको मिक्स करते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। ये रेसिपी बहुत इजी है, झटपट बन जाती है, हार्डली 10 मिनट्स लगते होंगे इसको बनाने में और ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। किसी को भी खिलाएंगे आप तो बहुत सारी तारीफ़ें पाएंगे। एंड अभी मकर संक्रांति आ रही है, बाज़ार में जो लड्डू अवेलेबल होते हैं हमें वो इतने टाइट होते हैं कि वो दांतों से कटते भी नहीं हैं, तो इसलिए इस संक्रांति कुछ डिफरेंट ट्राई करें और ये हेल्दी लड्डूओं की रेसिपी ज़रूर अपने घर में इस संक्रांति बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।